सनातन धर्म में आस्था है। अब वो कोई भी बाबा हो, सहृदय कहते हैं ना, नमन है उनको। लाज रखी ओ माँ इस दुखिया की, शरण बिहारी। बागेश्वर धाम की नौबतपुर के तरेतपाली मठ में चल रहे बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा का आज आखिरी दिन है। माना जा रहा है कि आखिरी दिन कथास्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ सकती है, इसीलिए सुरक्षा का खास बंदोबस्त किया गया है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कथा के आखिरी दिन अपने भक्तों को भभूत भी देंगे। बागेश्वर धाम की हनुमंत कथा का आज आखिरी दिन होने की वजह से आज धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी पहुंची, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात के वक्त अक्षरा सिंह ने बाबा के सामने बैठकर भजन भी गाकर सुनाया। लाज रखी ओ माँ इस दुखिया की, शरण तिहारी। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे अपनी मधुर आवाज में अक्षरा सिंह धीरेन्द्र शास्त्री को भजन सुना रही हैं। साथ ही पास में केंद्र राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी बैठे हुए हैं। इस मुलाकात में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पास अर्जी लगाने के लिए अक्षरा सिंह का परिवार भी पहुंचा हुआ था। इससे पहले एक इवेंट में जब एक्ट्रेस अक्षरा सिंह से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात के बारे में पूछा गया था, तब अक्षरा सिंह ने कहा था कि एक बार मैं बाबा से जरूर मिलूंगी, तब बाबा के लिए श्रद्धा और ज्यादा बढ़ेगी। बाबा बागेश्वर हमारे बिहार की धरती पर आए हैं, मैं बाबा से मिलने कभी भी जा सकती हूँ क्योंकि मुझे अपने सनातन धर्म में आस्था है। मीडिया की तरफ से धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात पर और सवाल पूछे जाने पर अक्षरा सिंह ने कहा था कि जिस दिन वो बाबा से मिलने जाएंगी उस दिन वो मीडिया के सभी सवालों का जवाब दे पाएंगी। अब लगता है अक्षरा सिंह के पास मीडिया के सभी सवालों का जरूर जवाब होगा। एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई और भी खबरों के लिए देखते रहिए ENT Live।